यदि हम नमस्ते करते हैं या राम राम करते हैं तो उसका उद्घोष होता है और ये बताता है कि हाँ इस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मैंने जय भीम किया, आवाज नहीं आई सामने से। तो मैं दोबारा प्रयास करता हूँ कि सभी को जय भीम। तो माननीय काशीराम जी का जो जन्मदिवस हमारे बहुजन समाज में के जो सही दिशा और दशा देने वाले मंचासीन लोग बैठे, उन्होंने कदम उठाया, उसके लिए बधाई के पात्र है। बात माननीय काशीराम जी की करूंगा कि माननीय काशीराम जी डीआरडीओ नाम का एक संगठन होता है और उसमें सेकंड क्लास अफसर थे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये मूवमेंट ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो उस मूवमेंट में माननीय और काशीराम जी उस टाइम पे सामाजिक द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे। तो 14 अप्रैल का एक दिन आता है जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है। तो उस जन्मदिन पे छुट्टी चाह रहा था कुछ स्टाफ वहां का कि 14 अप्रैल को छुट्टी होनी चाहिए ताकि हम नारी के मुक्ति दादा, इस संविधान के रचयिता और विश्व को, मैं केवल भारत को नहीं कहूंगा, विश्व के एक विद्वान पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के नाम पे छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन उस संगठन के जो डायरेक्टर थे, निदेशक थे, उन्होंने मना कर दिया और जो वहां पर तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी थे, कई लोग, तो उन्होंने कहा कि अगर छुट्टी नहीं होगी हमारी नौकरी जा सकती है तो चली जाए, हमारी जान जाए तो चली जाए, लेकिन उस विश्व ज्ञानी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भारतीय संविधान के निर्माता उस पर हम छुट्टी लेकर रहेंगे। तो जब वो छुट्टी नहीं हो पाई, वे धरने में बैठ गए, तो निदेशक ने कहा कि माननीय काशीराम जी कि काशीराम आप देखोगे, मैं आपको रिफर करता हूं कि ये लोग यदि नहीं धरना छोड़कर आते तो आप उन्हें सस्पेंड किए, निलंबित कीजिए, आपको उस पर हैंड ओवर कर दिया जांच के लिए। तो काशीराम जी के पास आया तो काशीराम जी कहते हैं अरे भाई 365 दिन होता है, 364 दिन तो काम करता है, एक दिन का ले क्या होगा। तो यूनियन के जो नेता कॉर्पोरेट साहब ने कहा नहीं, एक दिन काम नहीं करेंगे, उस सच्ची आत्मा के लिए हम छुट्टी ले कर रहेंगे क्या कुछ भी हो जाए। तो काशीराम जी कहते हैं अरे क्या होता है अम्बेडकर, व्हाट इज द अम्बेडकर, हु इज द अम्बेडकर, काशीराम नथिंग नोन या एंड कुछ नहीं जानते थे बाबा साहब के बारे में। तो उन्होंने माननीय काशीराम जी को किताब दी, हिंदी में उसे कहते हैं जाति का भेद, इनहेरेंस ऑफ कास्ट, वो किताब भी। और इतिहास बताता है उस किताब को जब मिलने के बाद मान्यवर ने वो किताब पढ़ी, उस रात में लगभग कई बार किताब पढ़ दी हो, और किताब तो पढ़ ली लेकिन रात को नींद ना आए। मान्यवर काशीराम जी को नींद ना आए कि मैं ऐसा भागा कि मुझे नहीं पता कि बाबा साहब क्या थे, कितने दुर्भाग्य की बात है, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बताता है मुझे कि बाबा साहब ये थे, एक किताब देता है। तो उसी दिन से माननीय काशीराम ने संकल्प दिया कि जिस बहुजन समाज में मैं जन्मा हूं, आज से संकल्प होता हूं कि जब तक इस देश के जो हुक्मरान रहे पहले बहुजन समाज के रहे, जब तक इन्हें हुकूमत ले जब तक घर नहीं जाऊंगा। और ये कह दिया कि मैं घर आज के बाद जब चला गया नौकरी छोड़ दी और घर नहीं जाऊंगा और समाज के लिए काम करूंगा। तो अभी बात आ रही थी कि कार्यकर्ता कम है, फॉलोअर कम है, इस पर एक बात बताता हूं। जब बाबा साहब का महापरिवार को प्राप्त हुई तो बाबा साहब के पीछे लाखों की संख्या में लोग महापरिवार के लिए उनके साथ गए, नागपुर की बात है, महाराष्ट्र की। और एक विश्व का एक महापुरुष हुआ कार्ल मार्क्स,
जब उसका अंतिम समय आया उसके पीछे मात्र 10 या 12 लोग थे। अब ये देखो वे 10-12 लोग कितने बड़े फॉलोअर थे कि उन्होंने कार्ल मार्क्स को पूरे विश्व में फैला दिया और हमारे वे लाखों बहुजन व्यक्तियों ने कितना काम किया हो कि हम बाबा साहब को इस देश में बिना फैला पाए। तो फॉलोअर होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, समर्पित होने चाहिए, त्यागी होने चाहिए, बलिदानी होने चाहिए। कितना बड़ा डेडिकेशन है आपके पास, वो मायने रखता है, संख्या कभी मायने नहीं रखती। कि आप में एक एक कई कई लाख बनाने की क्षमता है यदि आप उस आदमी के फॉलोअर हो गए। क्योंकि लोग कई बार कहते हैं कि बाबा साहब क्या थे, क्या किया उन्होंने हमारे लिए, क्या किया क्या नहीं किया, तो हम यहां समझा देते हैं कि भाई ये क्या वो क्या। क्या बराक ओबामा द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक्स प्रेसिडेंट वो कहता है कि वी आर द प्राउड दैट कि डॉक्टर अंबेडकर इज द स्कॉलर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। इफ डॉक्टर अंबेडकर बॉर्न आवर कंट्री आई से इज द सन। वो कहता है कि यदि बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हमें उन्हें सूर्य कहते और सूर्य सूर्य का काम क्या, प्रकाश देना। तो बाबा साहब बहुत बड़ी चीज है और जो यदि दूसरे नंबर पर बाबा साहब के लिए काम किया वो माननीय काशीराम जी थे। अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात और जोड़ूंगा कि काशीराम जी का जो एक स्लोगन था, एक ऐसा वाक्य था जो लोगों में जाते थे बताते थे, वे कहते थे एक लाख अर्चन। यानी हम जब किसी कार्यक्रम में जाएं, एक तो स्वयं होगी और एक को साथ लेकर आए, तो जब एक लाकर एक की भावना हमारे में आएगी, एक प्लस एक तो कारोबार बढ़ जाता है। माननीय काशीराम एक चले थे, एक से कारोबार बढ़ता गया और आपने देखा कि उन्होंने इस प्रदेश की बात करो बड़े बड़े नेता बनाए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बनाए, ऐसे ऐसे सांसद बना दिए कि जिन्हें अपना नाम लिखना भी नहीं आता था। तो कैसे एक मिशन से, एक बाबा साहब की ओपिनियन से, थिंकिंग से। तो एक मिश्रा मेरे याद आ रहा है, उस मिश्रे के बाद अपनी बात को यही बात को विराम दूंगा कि लगा दो पानी में आग, के लगा दो पानी में आग, शरारत हो तो ऐसी हो, और मिटा दो इन भ्रष्टाचारी करप्टी सरकारों की हस्ती बगावत हो तो ऐसी हो। कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर हम करेंगे सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों ने ध्यान सुना, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।